वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, योगी सरकार का एक और बहुत बड़ा फैसला आया है शिक्षक भर्ती को लेकर, उसी के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि पीसीएस, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें जिससे आने वाले सभी जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, देखिए, उर्दू शिक्षकों के 4000 पदों पर हुई भर्ती रद्द। योगी सरकार ने अखिलेश राज का एक और फैसला पलटा। योगी सरकार ने अखिलेश राज के एक फैसले को और पलटते हुए परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 4000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी है। सरकार का कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में मानक से कहीं ज्यादा संख्या में उर्दू शिक्षक तैनात हैं, इसलिए अब और उर्दू शिक्षकों की जरूरत नहीं है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर प्रभात कुमार की ओर से भर्ती रद्द करने के बारे में जानकारी सोमवार को शासन आदेश कर दिया गया है। अखिलेश सरकार ने 15 दिसंबर 2016 को उर्दू शिक्षकों के लिए 4000 पदों पर भर्ती शुरू की थी। इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 16,460 रिक्त पदों में 4000 पदों को सहायक अध्यापक उर्दू भाषा के पदों में बदला गया था। भर्ती के लिए 9 जनवरी 2017 तक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र लिए गए थे। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिलों को भेज दी गई थी और काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान हो गया था। काउंसलिंग होने से पहले ही मार्च 2017 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद योगी सरकार ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी। यह प्रक्रिया तब से रुकी हुई है। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने की में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। 87,000 बच्चे और 15,800 शिक्षक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तकरीबन 15,800 उर्दू शिक्षक तैनात हैं। वहीं उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 87,000 है। बताइए, इस हिसाब से उर्दू पढ़ाने वाले शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:5.5 है। इन तथ्यों के आधार पर शासन स्तर पर यह सहमति की गई कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में जरूरत से ज्यादा उर्दू शिक्षक हैं, लिहाजा नए शिक्षकों की जरूरत नहीं है। आखिरकार शासन ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती को निरस्त करने का फैसला किया। अखिलेश सरकार में तीन बार हुई थी भर्तियां। अखिलेश सरकार ने इससे पहले 3 बार 7,780 उर्दू शिक्षकों की भर्तियां की थी। पहली बार अगस्त 2013 में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 4,280 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस भर्ती में 1,929 पद नहीं भरे गए थे। इन पदों को भरने के लिए फरवरी 2014 में दूसरी बार भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। तो सुबह सुबह थोड़ी सी बैड न्यूज है, बट उन लोगों को अवेयर करना जरूरी है जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया था, जिनकी काउंसलिंग हो गई थी। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।